पड़ोसी देश पाकिस्तान एठाकार परिस्थिति समस्त को जना खाइबा सेठारे अवस्था सांघातिक आहरी भितर राजनीतिक अस्थिरतार पड़ी जवनिका नुआ बोतल पुराणा मद इमरान को समर्थक विद्रोह करुवा बेले पाकिस्तान में गठन हो शरीफ सरकार तेरे कौन ही सरकार देश को विनाश करदे पाकिस्तान सेना को मिल जा तार सखी कंडे एणिकी पुणी थे पाकिस्तान चलो सेना राजूति कारण पाकिस्तान ने पुणी थे शाहबाज रिटर्न्स। नमस्कार मु तपन चलत आरंभ करवा आम आज स्पेशल रिपोर्ट। सबु सस्पेन्स पड़ा पूर्णच्छेद शेषे पाकिस्तान मंग धरी जूनियर शरीफ नुआ प्रधानमंत्री भाव में शपथ नहीं नवाज शरीफ सान भाई शाहबाज शरीफ। फेब्रुआरी 8 तारीख रु निर्वाचन सरी किंतु राजनैतिक अस्थिरता लग रही इमरान खान को दल अधिक आसन किछि करि पारला नाहि शरीफ आंड को शेषे पाकिस्तान क्षमता हासिल कर मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब हैज सिक्योर्ड 201 वोट्स। सर झुका के हम अपने आप चलाएं ये मुमकिन नहीं है। पाकिस्तान रे नुआ सरकार और रहनुमाई फरमाए और असेंबली के क्वाइट के मुताबिक पूरी फरीले शहबाज शरीफ एथर पाकिस्तान रो विनाश थयो। क्या कर सकते हैं, मुझे नहीं लगता कि ये वजीर आजम कोई हालात ठीक कर सके। पेट्रोल 5 रुपए 7 रुपए बढ़ रहा है तो वजीर आजम साहब को चाहिए कि इन चीजों को कंट्रोल करे। ये वही स्टेटस को है जो हमेशा से कायम है और ये उसी तरह ही कायम चलता नजर आता है। दरदाम वृद्धि प्रतिदिन बढ़ुची तेल और गैस दर दाना मुठाए जोगाड़ करवा कष्टर एभली स्थित कौन करे पाकिस्तानवासी जो आर्थिक अनटन दूर करने को पाकिस्तान जनता आशा बांधि बसते पुणी थे स्वप्न हो रही कारण पाकिस्तान को पुणी थे फेरी सेनार क्षमता। आज्ञा हाँ पाकिस्तान केवे सुधर पुणी थे कायम रहा सेनार दबदबा शेष है सस्पेन्स पाकिस्तान में पुणी फेर शरीफ सरकार नुआ प्रधानमंत्री भाव शपथ नहीं शाहबाज शरीफ पुणी थे सेना मुख्य जनरल असीम मुनीर मिशन हो सक्सेस। हमने मिलकर फैसला कर लिया कि हमें अब डीप सर्जरी करनी है, हमें निजाम में इनकलाबी तब्दीलियां लानी है। हमने मुख्तलिफ शोबों में बुनियादी रिफॉर्म्स लानी है। सर झुका के हम अपने आप को चलाएं ये मुमकिन नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। इंशाल्लाह हम मिलकर पाकिस्तान को अजीम बनाएंगे और सर फखर से बुलंद करके आगे चलेंगे। जेल रे थाई इमरान खान को क्रेज बरकरार रहिबा सत्वे तांको दल सबुठु अधिक आसन पाइबा परे मध्य किछि नहला। राजरास्तारे इमरान को समर्थक किंतु राहुल पिंडरे इस्लामाबाद रो रिमोट जेते विरोध विक्षोभ हेले भी किछि फरक पड़िबनि कारण पाकिस्तान रो सरकार हेउछन्ति सेठाकार सेनार सखी कंडे ताहा पुणी थरे प्रमाणित होछि। पाकिस्तान रो नेशनल असेंबली रे शाहबाज को प्रधानमंत्री भाबे घोषणा करा दिबा परे विरोधी ताती उठछन्ति। मेरे वजीर आजम इमरान खान साहब को बाजियाब कराएं, बुशरा बीवी को बाजियाब होना चाहिए, शाह महमूद कुरैशी साहब को, चौधरी परवेज इलाही साहब को, हमारी जितनी खवातीन जो इस वक्त पाबंद सलासल हैं, हमारे जितने लीडर्स और वर्कर्स पाबंद सलासल हैं उनको बाहर लाएं, हमारे फॉर्म 47 हमें वापस दें, उसके बाद देखी जाएगी। शहबाज शरीफ कैन नॉट डिलीवर टू दिस कंट्री बिकॉज ही इज नॉट इलेक्टेड बाई द पीपल ऑफ पाकिस्तान। ही हैज स्टोलन द क्रेडिट ऑफ द पीपल ऑफ पीटीआई पीपल एंड ही हैज स्टोलन द वोट ऑफ पाकिस्तानी पीपल। ही कैन नॉट डिलीवर, ही हैज बीन इम्पोज्ड ऑन द पब्लिक ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान संसद में रविवार प्रधानमंत्री निर्वाचन पर भोटिंग होता शाहबाज शरीफ तांको निकटतम प्रतिद्वंदी ओमार ऐब खान को परास्त करछन्ति। शाहबाज को मोट 201 खंड भोट मिलता बेले ओमार को मिलता मात्र 92 खंड भोट। शाहबाज एवं पाकिस्तान 24वां प्रधानमंत्री। रिजल्ट अनाउंस करना चाह रहा हूं।
मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब हैज सिक्योर्ड 201 वोट्स। दुई प्रमुख राजनैतिक दल नवाज सर्वी नेतृत्वाधीन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और बिलुआला भुट्टो जरदारी नेतृत्वाधीन पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी मिलित भाव देश को शासन करने मेंट घोषणा करते स्वाधीन प्रार्थी भाव सर्वाधिक आसन हासिल करने सत्वे इमरान खान का पाकिस्तान तेहरिक इंसाफ संख्या गरिष्ठता ठारु दूरे थिबारु पीएमएलएन और पीपीपी सरकार गठन पाई मेली करबा को मौका पाइले। बिल्कुल, ये जो शहबाज शरीफ साहब ने कल अपनी तकरीर की है पार्लियामेंट में, उसमें सवाए झूठ के उन्होंने कुछ नहीं बोला, सिर्फ एक सच बोला। उन्होंने कहा कि मेरी तनख्वाह, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान की तनख्वाह, तमाम जो असम्बली के मेंबर बैठे हैं इनकी तनख्वाह, स्पीकर साहब की तनख्वाह, ये सब तनख्वाहें जो है कर्जे से अदा की जा रही हैं। तीन जनरल स्ट्राइक्स हो चुकी हैं, चौथी जनरल स्ट्राइक कल हो रही है 5 मार्च को पीओजेके में, और बिजली के बिलों के ख़िलाफ़ जो इलेक्शन जो इलेक्ट्रिसिटी बिल बायकॉट कैंपेन है वो तो अगस्त से चल रही है पिछले साल से। तो शहबाज शरीफ को सोच समझ के मुंह खोलना चाहिए, और पाकिस्तान एक बहुत शदीद इकोनॉमिक क्राइसिस की तरफ जा रहा है, और मुझे नहीं लगता कि ये सरकार चलेगी और ये सरकार इकोनॉमिक क्राइसिस से उनको बाहर निकाल सकेगी। शहबाज शरीफ जने वर्कोहोलिक लीडर भाव जनाशुना, से होती पीएमएलएन अध्यक्ष तथा पूर्वतन प्रधानमंत्री नवाज शरीफ का सान भाई। तांकर राजनीति में रही बेस अभिज्ञता। 1990 पाकिस्तान नेशनल असेंबली को निर्वाचित होते शहबाज, 1999 पाकिस्तान छाड़ी शहबाज और 2007 पुणी देश को फेरी 2017 पीएमएलएन रही अध्यक्ष। यहसह पाकिस्तान पंजाब प्रदेश से 3 थर मुख्यमंत्री रही। वरिष्ठ राजनेता विरोध में रही विभिन्न दुर्नीति अभियोग। बड़ भाई नवाज शरीफ पाकिस्तान छाड़ा पर दलर गुरुदायित्व तुलाई आसुले शहबाज शरीफ। प्रधानमंत्री होगा पूर्व से जड़े उत्तम प्रशासक भाव परिचित थे, किंतु अल्प समय पर प्रधानमंत्री होगा समय सेना और मेट दल भितर फसी जाते शहबाज। वर्तमान पाकिस्तान आर्थिक संकट दे गति करुवा बेले देश केमिंती उद्धार होगा नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री शहबाज शरीफों पर बड़ चैलेंज। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 ओडिया। एबे नहीं जीवा एको छोटिया ब्रेक, आ ब्रेक परे देखिबा शहबाज को पाकिस्तान चैलेंज। ब्रेक परे स्वागत। समय अनुसार पाकिस्तान ने राजनीतिर भाषा मध्य नाटकीय ढंग से बदली जाइछि। सामान्य परिस्थिति रे केन्द्र रे मेंटर नेतृत्व नेउथुबा एवं देशर सबुठु बड़ प्रांत रे बहुमत पाइथिबा पार्टी निजर भविष्यत पई चटापट प्रश्न चिन्ह लगाइबो नाही। तथापि अधिकांश विशेषज्ञंकर नजर पीएमएलएन उपरे रहिछि। शहबाज को हाथ रे पाकिस्तान नुआ शासन भार। पूर्वथर अल्प समय पई से प्रधानमंत्री होइथिले, सेतेबेले पाकिस्तान अवस्था शोचनीय थिला, आउ एबे बी अछि। एथर तांकु 5 वर्ष पई प्रधानमंत्री गादी रे बसिबार सुजोग मिलिछि, किंतु सेथि पई तांकु सेना सह तालमेल रक्षा करिबा, चीन और रूसिया ठारु निजकु समतुल करिबा एवं भुटो फैमिली सहित बालांस होई शासन कल को आगे नेबाकु पड़िबो। सेहिपरि इमरान को क्रेज एबे बी जबरदस्त थिबा बेले तांको समर्थक विद्रोह करुछंती, तेणु पाकिस्तान जनतांकर आस्थाभाजन मध्य शहबाज को हेबाकु पड़िबो। आउ ये सबु परे भी शहबाज को सहज हेबनी सेकेंड टर्म। पाकिस्तान रो अस्थिर राजनीति लॉन्ग नुहे पुणी सटर पीएम शहबाज को पाई पाकिस्तान चैलेंज। पाकिस्तान रे जदियो शहबाज शरीफ पुनश्च प्रधानमंत्री होती, तथापि निर्वाचन फलाफल पीएमएलएन पाई आदो शुभंकर नुहे। संख्या गरिष्ठता हासिल करने दल चिंता करुथिला, किंतु पाकिस्तान रो जनता एथर सरप्राइज देछंती। बहुमत नपाई शहबाज शरीफ 8 दलर समर्थन में प्रधानमंत्री होती। आशा करा जे पंजाब प्रांत में पीटीआई दमन फायदा दल उठाइब, किंतु निज घर मैदान में पीएमएलएन को क्षति सहवाक पड़ा।
एथर निर्वाचन अनेक गुमर खुली डन रे प्रकाशित एक आलेख्य जहाँ पॉलिटिक्स और सोशियोलॉजी पढ़ाऊ उमेर जावेद लिखिंट से दर्शाई जे पूर्व शाहबाद सरकार समय पाकिस्तान रे लोक जीवन जापन सबुठू अधिक दयनीय था लोक मैंने ना असुविधार सम्मुखीन होते सेहीपरी सहरी पंजाब रे कम आय वर्गर लोक एवं निम्न पूंजीपति वर्ग कम संख्यारे सामना को आसीबा अन्य एक कारण तृतीय विषय होउछि अनेक वरिष्ठ लोक जेउ माने केतेक घटना को सार्वजनिक करती एवं आउ केतेक घटना को व्यक्तिगत स्तर रे चापी दियंती सेमानंक पाखरे पंजाबी मतदाता को आकृष्ट करबा पई किछि भी नाही एहाकु सरल भाषा रे बुझाइले पाकिस्तान रे वर्तमान जेउ भली परिस्थिति देखा दैछि सेथिरु मुकुलिबा एते सहज नुहे पाकिस्तान सेना देशकु एमिति कब्जा करि रखिछि जे लोके चाहिले भी सेथिरु बंची पारिबे नाही जेतिकी प्रयास करुछंती सेमाने जेल जाउछंती नचेत सेमानंकु हत्या करा जाउछि पाकिस्तान रे वर्तमान जो अर्थनैतिक परिस्थिति से आहुरी खराब आडक गति करु तेणु एही परिस्थिति रे पाकिस्तान रो फ्यूचर इज हाईली अनस्टेबल एंड अनसर्टेन बट पॉलिटिकली वी कैन से फॉर द टाइम बीइंग इट हैज अज्यूम्ड सम काइंड ऑफ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इन द फॉर्म ऑफ काइंड ऑफ मास्क ऑफ सिविलियन गवर्नमेंट बट इट इज आर्मी रूल दैट हैज बीन एस्टैब्लिश्ड बाय दिस कोअलिशन गवर्नमेंट 2018 रे शाहबाज शरीफ को दल पाखरे क्षमता विरोधी वार्ता थिला ताहाकु दल सठिक भावे उपयोग करि पारिथांता पूर्व हस्तक्षेप अयोग्यता और सेनार परिचालना निर्वाचन रे स्पष्ट मत देनाही एथर केही समकक्ष नथिले इमरान खान जेल रे अछन्ति शरीफ परिवार पई एथर थिला सुवर्ण सुजोग नवाज शरीफ को पाकिस्तान प्रत्यावर्तन रो फायदा दल नेबाकु चाहिला किंतु नवाज शरीफ को ट्रैक रेकर्ड पुणि थरे तांको दल को बहुमत देला नाही समय अनुसार पाकिस्तान रे राजनीतिर भाषा मध्य नाटकीय ढंग रे बदली जाइछि सामान्य परिस्थिति रे केन्द्र रे मेंटर नेतृत्व नेउथबा एवं देश रे सबुठू बड़ प्रांत रे बहुमत पाइथबा पार्टी निजर भविष्यत पई चटापट प्रश्न चिन्ह लगाइबनि तथापि अधिकांश विशेषज्ञक नजर पीएमएलएन उपरे रहिछि एई जो इलेक्शन प्रोसेस जो थरे वर्तमान से प्रधानमंत्री जो आगामी 5 वर्ष पई हेइछन्ति प्रथम कथा होची गोटे ट्रैक जमी आम बैलेंस कहवा बैलेंस मेंटेन जदि से ठीक भाव करती एपटे मिलिटरी मान सहित एपटे जनता सहित एपटे आपणकर जो पॉलिटिकल सिचुएशन अच्छी जो थी कि फॉरेन पॉलिसी अदर कंट्री मान सहित एवं एपटे आतंकवादी संगठन मान सहित यहपर विभिन्न वर्ग सहित जदि ठीक भाव से मेंटेन कले देन ओनली सर्वाइव करेंगे जो 5 ईयर टर्म 2022 परठारु पाकिस्तान राजनीति रे विराट परिवर्तन होईछि जेल रे थाई इमरान खान को विद्रोह पाकिस्तान राजनीति रे नुआ रंग दिछि पीटीआई दल अयोग्य हेबा परे भी सेही दलर प्रार्थी माने स्वाधीन भावे निर्वाचन लड़िथिले आउ जनादेश मध्य तांको सपक्ष रे जाइथिला पाकिस्तान रो सबुठु अधिक आसन इमरान खान को दल पाइथिला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रो सहायता नै इमरान को दल तांको नेतांको प्रचार करथिला सेहीपरि इमरान को विपुल जनसमर्थन रास्तार विराट आंदोलन जन्म देछि एबे भी पाकिस्तान रे इमरान को समर्थक माने विरोध प्रदर्शन करछन्ति जहां शाहबाज सरकार को पई आदो शुभंकर नहि जेहेतु इमरान खान को दल एवं तांको समर्थन माने विपुल जनसमर्थन पाइछन्ति से माने यदि कोनोसे प्रकार पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी क्रिएट करबा पई जानथु बा चाहन्थु ताले से मूवमेंट केते पॉलिटिकल सपोर्ट गैदर करिवे एवं आर्मी किभली एही सरकार को प्रोटेक्शन दब कारण ए जो वोट हैला इन फेवर ऑफ इमरान खान यदर गोटे कथा पाकिस्तानी पब्लिक लाउड एंड क्लियरली कहले दैट दे डू नॉट एक्सेप्ट आर्मीज प्रीएमिनेंस रोल इन पाकिस्तान पॉलिटिक्स पाकिस्तान रे आर्थिक संकट रातारात होना आरंभरु एठारे रही आसी राजनैतिक संकट एथर किंतु शाहबाज सरकार को अर्थनीति उपरे विशेष ध्यान देवाक पड़िबो पाकिस्तान रे लगातार भावे रही आसी राजनैतिक संकट वर्तमान शाहबाज शरीफ प्रधानमंत्री हेबा परे जे एही राजनैतिक संकटर अवसान हेबो ताहा भाबिबा भूल
कारण शाहबाज जदि सेना विरोध में जीवाई स्वप्न भी देखती तेरे सेना तुरंत गादीच्युत करठाकर सेना हाथ में सर्वदा रही रिमोट कंट्रोल देशर अवस्था पछे शोचनीय हो किंतु सेना हाथ में पावर रहा थय से तो पाकिस्तान में कौन आदर्शवाद तथा नैतिकतार राजनीति ना तेणु शाहबाज शरीफ अनेक असुविधार सम्मुखीन हे विशेषकर पड़ोशी देश और सेना सह तालमेल न रखिले से हरड़ घणार पड़ पारती ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 18 ओडिया। शाहबाज शरीफ आगे रहिबो बड़ बड़ चैलेंज पाकिस्तान को अर्थनैतिक संकट रु उद्धार करिबा तांको पाई सबुठ बड़ चैलेंज अन्य पटे अन्य देश सह संपर्क स्थापन वैदेशिक नीति को मैनेज करिबा राज्य सरकार एवं गवर्नेंस स्ट्रक्चर को संतुलित करिबा आदि चैलेंज तांको सामना रे रहिबो। सेहीपरि पंजाब मुख्यमंत्री थिबा बेले तांकर क्यान डू आटीट्यूड एबे प्रधानमंत्रीत्व काल रे देखिबा को मिलिबो कि ना देश एथर विनाश सेवा थय ताहा भी एक बड़ प्रश्न। नवाज शरीफ फेरिबा परे केही आशा करू नथिले जे शाहबाज शरीफ प्रधानमंत्री हेबे दल संख्या गरिष्ठता हासिल न करिबारु नवाज प्रधानमंत्री हेले नाही मेंटो को उत्तम भावे परिचालना करिबार दक्षता थिबारु शाहबाज को प्रधानमंत्री करागला। पूर्व थर जेतेबेले शाहबाज शरीफ प्रधानमंत्री होइथिले सेतेबेले लगातार से नवाज को परामर्श पाई लंडन जाउथिले। अन्यपटे पाकिस्तान ने 1999 रु 2008 पर्यंत सेनार शासन एवं परे सेनार राजनीति रे हस्तक्षेप पाकिस्तान चित्र बदलाई दिछि। सेही सेनार मुख्य जनरल असीम मुनीर को प्रशंसा करी शाहबाज तांकर आस्थाभाजन होई परिछि किंतु शाहबाज को आगरे छिड़ा होई रुग्ण अर्थनीति अंटा सड़खी पार ना एक दरमरा पाकिस्तान जने प्रधानमंत्री निजकु कदापि दुर्बल भाविबा उचित नुहे। शाहबाज को सम्मुखे मध्य देशर ऐतिहासिक सामाजिक और आर्थिक संकट रु मुकुलिबार बड़ दायित्व रही देश को आगक बढ़ाई नेबाक हेले धैर्य और बड़ हृदय होगा आवश्यक किंतु सेनार सखी कंडे शाहबाज कौन जने दक्ष नेता भावे निज देश को उद्धार करिबे। प्रधानमंत्री बापरे शाहबाज को प्रथमे कैबिनेट को क्लीन करिबा को पड़िबो। कैबिनेट रे जेतिकी सदस्य रहिबे सेमाने समस्ते दक्ष होइथिबा आवश्यक कारण देश जे संकटर सामना करिछि सेथरु प्रथमे देश को उद्धार करिबा को पड़िबो। तेणु प्रथम पाली तुलना रे द्वितीय पाली रे शाहबाज को अधिक कठोर हेबा को पड़िबो। पाकिस्तान अर्थनीति विभिन्न संस्था मानव संबल विकास एवं भौतिक परिवेश को बर्बाद कर देछि स्थानीय शासन व्यवस्थार दुर्बलता। गणतंत्र मजबूत होगा हेले प्रथम आंचलिक तथा स्थानीय प्रशासन को सशक्त और शक्तिशाली होगा पड़ो जहाँ पाकिस्तान होपरी तृणमूल स्तर में विकास परिमाण जीरो शिक्षा स्वास्थ्य विपर्यय परिचालन स्थानीय प्रशासन संपूर्ण भाव फेल। पाकिस्तान अधिकांश जिला प्रतिवर्ष बन्या किंवा अन्यान्य जलवायु परिवर्तन शिकार होती तेणु से बर्तवा को जोभली पदक्षेप निजा कथा ता तृणमूल स्तर में निजाऊना तेणु शाहबाज सरकार को पाकिस्तान सुधार करने दिगरे अत्यंत गुरुत्वर सहित विचार करने दरकार। राज्य सरकार गुड़िक सहित उत्तम संपर्क स्थापन कर तृणमूल स्तर में विकास एजेंडा को दक्ष भाव परिचालन करवा निहाती जरूरी। वर्तमान परफर्म करने दिस गवर्नमेंट को जो डिसीजन नाप पड़ो दैट इज जनरली नॉट पॉसिबल इन ए कोलिशन गवर्नमेंट वेरी स्ट्रांग मेजर्स नाप पड़े readjusting the economy, reallocating, emphasis on various structures, reallocation of resources, taxations, everything needs to be reformed in Pakistan. नुआ सरकार को जातीय स्तर में विभिन्न पदक्षेप नेबा को पड़िबो या सहित वैश्विक प्रतिबद्धता को आगक बढ़ावा को पड़िबो। उदाहरण स्वरूप अर्थनीति में सुधार पाई प्रथम शाहबाज सरकार को अंतर्जातीय मुद्रा पांठि सहित एक चुक्ति करिबा को पड़िबो कारण पाकिस्तान दर वृद्धि 30% अधिक रही सहित अर्थनैतिक अभिवृद्धि 2% भी कम रही तेणु शाहबाज शरीफ को IMF ठारु एक स्वल्पकालीन बेल आउट पैकेज आने को पड़ो। सेपरि शाहबाज सरकार को संस्थागत सुधार मध्य करिबा को पड़ो से सरकार को उत्तम खसड़ा प्रस्तुत करने सहित ताकू गुरुत्वर सहित कार्यकारी करने को पड़ो। 1990 मसीहार प्रारंभ रु पाकिस्तान जो सरकार आसुचान ए दिगरे सुधार करार डिंडीम पिटुचान किंतु आज जाए कहीं भी ए दिगरे काम करना फल पाकिस्तान अर्थनैतिक अवस्था धीरे धीरे बिगिड़ा आरंभ कर शेष नेड़ीगुड़ कमुणी को बहिगला। वर्ल्ड बैंक बा
ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସଂସ୍ଥାମାନେ ବା ବିଭିନ୍ନ ଦେଶମାନେ କେବଳ ରଷିଆ ଆଉ ଚାଇନାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଅନ୍ୟ ଦେଶମାନେ ହାତ ଟେକି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏ ଜାଗାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାକିସ୍ତାନକୁ କିଏ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନର ଏହି ସମୟରେ କିଏ ପ୍ରକୃତ ବନ୍ଧୁ ଭାବରେ ଛିଡ଼ା ହେବ ଏବଂ ଶାହବାଜ ସରିଫ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ସଫଳତାର ସହିତ ପୂରା କରିବେ, ଏସବୁ ସମସ୍ୟାର ପ୍ରଶ୍ନ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସମୟ କରିବ। ଶାହବାଜ ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ ଅନ୍ୟତମ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହେବ ସେନା ସହିତ ଉତ୍ତମ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିବା, କାରଣ ପାକିସ୍ତାନର ରାଜନୀତି ସେନା ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହୋଇଥାଏ। ନୱାଜ ସରିଫଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ତିନୋଟି ଯାକ ପାଳିରେ ଖରାପ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ କହିବା କଥା ଜୁନିୟର ସରିଫ ସେନାକୁ ମନେଇବାର କୌଶଳ ଜାଣିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଟର୍ନ ପୂରା କରିବାକୁ ହେଲେ ଶାହବାଜଙ୍କୁ ସେନାର ଆଶୀର୍ବାଦ ନିହାତି ଜରୁରୀ। 1947 ପରଠାରୁ କେହି ଜଣେ ବି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ପୂରଣ କରିନାହାନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ଏକାଧିକ ଥର ପାକିସ୍ତାନରେ ମାର୍ଶାଲ ଲ ମଧ୍ୟ ଲାଗୁ ହୋଇଛି। ପାକିସ୍ତାନକୁ ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଶାହବାଜ ସରିଫଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଛି ବ୍ୟାପକ ପଦ୍ଧତି। ପ୍ରଥମେ ସେନାକୁ ନିଜ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖିବେ ଏବଂ ବିଦେଶୀ ନୀତିର ସଂଶୋଧନ କରିବେ। ସେପରି ଅର୍ଥନୈତିକ ସୁଧାର ପାଇଁ ଶାହବାଜଙ୍କୁ ନିବେଶ ଓ ଘରୋଇକରଣ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଫୋକସ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଥିପାଇଁ ଜାତୀୟ ଏୟାରଲାଇନ୍ ସମେତ କେତେକ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ପ୍ରକଳ୍ପର ଘରୋଇକରଣ କରିବାକୁ ହେବ। ଅନ୍ୟପଟେ ସାଉଦି ଆରବ ଓ କତାର ଶାସକଙ୍କ ସହିତ ସରିଫ ପରିବାରର ରହିଛି ଘନିଷ୍ଠ ସମ୍ପର୍କ, ତା'ର ଫାଇଦା ଶାହବାଜ ସରିଫ ଉଠାଇବା ଉଚିତ। ନୂଆ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ସାଉଦି ଆରବ ଓ କତାରରୁ ନିବେଶକଙ୍କୁ ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେଉଁ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ନିଜର ଉତ୍ପାଦନ ୟୁନିଟ୍ ବନ୍ଦ କରି ପାକିସ୍ତାନରୁ ପଳାଇ ଯାଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ବୁଝାସୁଝା କରି ପୁଣି ଥରେ ଫେରାଇ ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପୂର୍ବଥର କମ୍ ସମୟ ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରହି ଶାହବାଜ ସରିଫ ପାକିସ୍ତାନ ପାଇଁ କିଛି କରିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏଥର ସେ ପୁରା ଟର୍ମ ପୂରଣ କଲେ ପାକିସ୍ତାନରେ ସୃଷ୍ଟି କରିବେ ବିରଳ ରେକର୍ଡ, କାରଣ ସ୍ୱାଧୀନତା ପରଠାରୁ କୌଣସି ବି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପାକିସ୍ତାନରେ ନିଜର ଫୁଲ୍ ଟର୍ମ ପୂରଣ କରିପାରିନାହାନ୍ତି। ଏସବୁ ଭିତରେ ଏକ ସ୍ଥିର ରାଜନୈତିକ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଶାହବାଜ ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ ଅନ୍ୟତମ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହେବ। ମେଣ୍ଟ ସରକାରରେ ଅନ୍ୟ ଦଳଗୁଡ଼ିକୁ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ଶାହବାଜକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦରଦାମ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ନକଲେ ଏବଂ ଇମ୍ରାନ ବିଦ୍ରୋହୀଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରି ନପାରିଲେ ଏଥର ପାକିସ୍ତାନର ବିନାଶ ହେବା ଥୟ, କାରଣ ଏଥର ଶାହବାଜ ସରିଫ ଦେଶକୁ ମୁକ୍ତ କରିବାରେ ବିଫଳ ହେଲେ ପାକିସ୍ତାନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଗୃହ ଯୁଦ୍ଧର ସାମ୍ନା କରିବ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ। ନ୍ୟାସନାଲ ଆସେମ୍ବଲିରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ନିର୍ବାଚିତ ହେବା କ୍ଷଣି କାଶ୍ମୀର ଭଳି ବିବାଦୀୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇଲେ ଶାହବାଜ ସରିଫ। ଦେଶ ତଳିତଳାନ୍ତ ହୋଇସାରିଛି, କିନ୍ତୁ ବାବୁ ଶାହବାଜ ସେ ଦିଗରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ବଦଳରେ ସିଧା କାଶ୍ମୀର ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଫୋକସ୍ ଦେଲେ, ଯାହା ସେନାର ନୂଆ ଚାଲକୁ ପଦାରେ ପକାଇଛି। ତେଣୁ ସେନା ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହୋଇ ଶାହବାଜ ସରିଫ ଯଦି ଦେଶ ଚଳାନ୍ତି, ତେବେ ପାକିସ୍ତାନର ବିନାଶକୁ କେହି ରୋକିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଜି ପାଇଁ ସ୍ପେଶାଲ ରିପୋର୍ଟରେ ଏତିକି। ନମସ୍କାର।